हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक्स फ्रेंड। यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल की बहुत ही अच्छी टोटल 797 पोस्ट निकाली गई है। जो आपका जेआईयू की पोस्ट होती है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, यहाँ पे टोटल बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बच्चे फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी जॉब लगती है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब लगने वाली है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिटेल में हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं, क्या होने वाला है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस कितनी रखी गई, एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सभी कुछ हम यहाँ इसी वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आप इस वीडियो की स्पीड को यहाँ पर 1.5x कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई किया है, तो ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक टाइम से पहुंच सके और आपसे कोई भी वैकेंसी मिस ना होने पाए। तो हम चलते हैं पहले फ्रेंड इनके ऑफिशियल वेबसाइट तक और देखते हैं कैसे आपको यहाँ पे इनका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम इस समय यहाँ पे आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको इनकी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इनके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप जैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड टू टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पर इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक नया पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगा। चलिए उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ ऐसा पीडीएफ ओपन हो किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि आप इस लिंक को कॉपी करके किसी अपने गूगल क्रोम में पेस्ट कर लीजिए। जैसे आप पेस्ट करेंगे, आपके सामने इनका ऑफिशियल पीडीएफ ओपन हो किया जाएगा। हालांकि मैं इनके इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप जैसे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आपको यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम इनके इस ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इनका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको यहाँ पे आता है। यहाँ पे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ अभी कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। तो प्लीज़, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, आप इस वीडियो को यहीं पर लीव करके जा सकते हैं। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लीव कर रहे हो, वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, जिससे कि मैं मोटिवेशन बना रहा और मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी लेके आता रहूँ। बहुत सारी मैकेनिकल की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। अभी अभी आज ही की लास्ट आपकी डेट मोबाइल का जो आपका इक्विपमेंट निकाला गया था, उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। मैंने आज ही वो वीडियो अपलोड किया हुआ, आज फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट है। तो प्लीज़ अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो इस वाले फॉर्म को आप जो है फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई, इसमें जो आपकी पे स्केल लेवल 4 की वैकेंसी आपको होने वाली है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड। आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली, बहुत ही अच्छा अलाउंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ टोटल 797 वैकेंसीज निकाली गई, जहाँ पर युवा की 325, ईडब्ल्यूएस 79, ओबीसी की 215, एससी की 119, एसटी के यहाँ पे 59 वैकेंसीज निकाली गई हैं। हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांचेस को यहाँ पे एलिजिबल किया हुआ है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, अगर आपने इन सभी ब्रांचेस में से किसी ब्रांच से डिप्लोमा किया है, यहाँ पे आप बिल्कुल एलिजिबल किए गए हैं। नेक्स्ट, अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है साइंस में विद इलेक्ट्रॉनिक्स, या कंप्यूटर साइंस, या फिजिक्स, या मैथमेटिक्स से, आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशन से, आप बिल्कुल यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल, यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एज लिमिट रखी गई है, जहाँ पे एससी एसटी वाले बच्चों को, ओबीसी वाले बच्चों के एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है, यहाँ मेंशन किया हुआ 23rd of June, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है। तो प्लीज़ 23rd of June से पहले आप लोग फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए बहुत हर एक सिटी को यहाँ पे एलिजिबल किया गया एग्जाम सेंटर के लिए। अगर यूपी की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो यूपी में देखिए मेरठ, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, बहुत सारे लखनऊ, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम सेंटर, सभी को यहाँ पे एलिजिबल किया गया हुआ है। यहाँ पे अगर फ्रेंड अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न कैसा आपका एग्जाम का स्कीम रखा गया है। यहाँ टोटल आपसे Tier 1, Tier 2 और Tier 3 के आपका तीन पार्ट में आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहाँ पे आपके एमसीक्यू में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25% आपका जनरल मेंटल एबिलिटी पर रहेगा,
75% आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर क्वालिफिकेशन, जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो टोटल टोटल यहाँ पे आपके 100 मार्क्स एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे में यहाँ पे आपको एग्जाम करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की फ्रेंड, यहाँ पे तो देखिए जो आपका स्किल टेस्ट रखा गया है वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और टेक्निकल होगा नेचर में, तो यहाँ पे आपका 30 मार्क्स यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट का भी रखा गया है। वह इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 20 मार्क्स का रखा गया है। तो यहाँ टोटल देखिए 100, 30 और 26, मतलब यहाँ पे आपका टोटल 150 मार्क्स में आपका सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे 1/4 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिफिकेशन सिलेक्शन, जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे उनका कट ऑफ मार्क निकाला जाएगा आउट ऑफ 100, ठीक है। तो TI-1 एग्जाम सेलेक्ट होंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क यहाँ पे UR का 35, OBC का 34, SC/ST का 33 और EWS का 35 रखा गया है। तो जो बच्चे यहाँ पे TI-1 में नॉर्मलाइज होंगे, जो बच्चे यहाँ पे TI-1 में नॉर्मलाइज होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स, मतलब जितनी वैकेंसी उसका 5 टाइम्स बच्चों के यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया है, अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट डेट में आपका 23 जून यहाँ पे लास्ट रखी गई है और यहाँ पे 3 जून मतलब आज की डेट से आपका फॉर्म फिलअप होना यहाँ स्टार्ट हो गया है। और एप्लीकेशन फीस की डेट यहाँ थोड़ा एक्सटेंड की गई है, मतलब 27 जून तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर अगर एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड, तो आपको सभी चीज़ों का लिंक, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ फिर अगर हम फीस की बात कर ले, तो फीस की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया। तो देखिए एग्ज़ाम फीस यहाँ पे जो है आपकी 450 रुपीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम फीस रखी गई है। 2 कंपोनेंट है, पहला आपका 50 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस है और रिक्रूटमेंट की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपका 450 रखा हुआ है, ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो जितने कैंडिडेट्स हैं सभी को यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ेगा, और मेल जो मेल कैंडिडेट्स हैं UR, EWS और OBC को यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फीस एडिशन में यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी बैंकिंग चार्ज होगा वो आपका अलग से लगेगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो भी फीस का पेमेंट होगा। आप फीस जो है फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से पे कर सकते हैं, आपको अगर ऑनलाइन पे करना है आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और ऑफलाइन पे करना तो यहाँ पे ऑफलाइन भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो हालांकि आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको मैंने कोई भी डाउट है आप इस PDF को रिफर कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको मैंने कोई डाउट रहता है मुझको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।